हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होगे। तो आप सबको पता होगा कि नया मोड आया है जो कि है ब्लू होल मोड, जिसके बीच में होता है ब्लू जोन और यहाँ पे बंदे भी रहते हैं सिर्फ 62। तो हमें मारना तो आजा नहीं होगा। तो मैं आया था प्रिजन, जिसमें मुझे मिल गए उतरते ही मिनी 14। अब साइड में घर के बंदा था और ये मुझे यहाँ से ही निकलते हुए दिख गया और मैंने बिल्कुल ऐसी ऑटो मिनी 14 चले और नोटिफिकेशन आया कि 10% बैटरी बची हुई है, तो भी हम गेम प्ले तो ज़रूर बनाएंगे। तो मैंने इसको नॉक तो कर दिया था, फिर मुझे लगा कि इसका कोई साथी भी आएगा उस, तो मैंने इसे ख़त्म कर दिया। तो मैं दूसरे का इंतज़ार करने लगा, थोड़ा मुझे लगा कि इस साइड से आएगा। और जब मैं यहाँ पे आया तो वहाँ पे एक बॉट नॉकआउट गिरा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको तो मारना हमारा हक है। और ये शॉटगन की एक गोली मारने के बाद वो तो मरा नहीं। मैंने मिनी 14 निकालने की कोशिश की और मिनी 14 रिलोडिंग पे लगाई और फिर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, वो तो बंदे ने किल चुरा लिया। और उसके बाद मुझे मिल गए DP28, जो कि मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ बंदों के खिलाफ। तो मुझे यहाँ से पैरों की आवाज़ आ रही थी, मैं थोड़ा रुक गया और यहाँ पे एक बंदा मिला और मुझे इसको तो ख़त्म करने के लिए नहीं मिला। और ये दूसरा बंदा भी सीधा मारी गया और यहाँ पे ऐसा हुआ कि एक किल तो मिला नहीं, दूसरा भी ऐसे गया कि कुछ काम में ही नहीं आया। और एक नंबर बहुत ज़्यादा खेल कर रहा था, ये बात अच्छी थी कि वो अच्छे खेल रहा था, पर भाई तू मेरे खेल क्यों चोरी कर रहा है? तो यहाँ से मुझे शॉटगन नहीं पकड़ना चाहता, DP पकड़ के रहा हो तो मैं इसे पहले ही मार देता, पर ये स्काय ने इसे मार दिया। और इसके बाद एक बंदा मेरे को यहाँ पे मिल गया और मैंने इसको भी मार दिया और ये भी खेल चोरी हो गया। तो यहाँ पे बस किल चोरी हो गया हो रहे थे, प्रिजन पूरा खाली हो गया था, प्रिजन के पहाड़ी पे बंदे थे और यहाँ पे गाड़ी भी लगी हुई थी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा आया और बंदों को स्पॉट करने लगा, तो मेरे को एक जन दिखा, मैंने उसको नॉक कर दिया। और इस दूसरे वाले को तो कुछ होश ही नहीं था, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ था ही नहीं, और मैंने इसको भी नॉक कर दिया। नॉक तो ये हुआ नहीं और सीधा ये फिनिश हो गया, बस यहाँ के बंदे तो ख़त्म हो चुके थे। तो फिर हम यहाँ से गाड़ी लेके निकलने लगे और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि हम जल्दी से इस गेम को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आगे एक ड्रॉप था, वहाँ पे जाना सेफ ही होता क्योंकि कोई आते हुए तो दिख नहीं रहा था और वहाँ पे तो हमारा हक ही बनता है क्योंकि ड्रॉप आ गई था। तो इसको मैंने लूटा, इसके पास ऑम थी मैंने उठा ली और दूसरी तरफ मैंने M4 पकड़ ली, मेरे पास एटेक्सो था ही, मैंने लगा लिया उस पर। तो यहाँ से हम निकल रहे थे और फिर मैंने 6x को 3x में कन्वर्ट कर दिया और फिर यहाँ पे आए हम इस घर में। यहाँ पे बंदे की फ्रूट प्रिंट है, वो भी ये दो थे, तो कुछ किल विल तो जुगाड़ हो ही जाता था। तो मैंने पूरा फ्लैंक मारा, उनके हाथ में अगर मैं मिला होता तो वो मेरे को कच्चा खा जाते थे, वो वैसे भी माड़ी पर ही थे। और मैंने यहाँ पे यहाँ से पहले एक ग्रेनेड डाल दिया और ये अगर यहाँ पे होते तो मैंने यहाँ पर भी एक ग्रेनेड डाल दिया, वो भी एक अच्छे से बाउंस के साथ। तो एक नंबर ने एक को नॉक कर लिया था, तो अभी एक ही बंदा बचा था तो मारना आसान होता। और यहाँ पे इनकी स्क्वाड ख़त्म हो और इस गेम में ना बहुत फेम ड्रॉप हो रहा था और FPS इतना लो दे रहा था, क्या बताऊँ। बिल्कुल गेम ऐसे चल रहा था कि जैसे 3GB रैम के फ़ोन के अंदर जैसा चलता है वैसा। तो इनको लूटने के बाद यहाँ से गाड़ी लेके हम जाने लगे।
FPS इतना ड्रॉप हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने थोड़ा वो सेटिंग को थोड़ा डिसेबल कर दिया। मुझे लग रहा था कि उसके कारण ही सब कुछ हो रहा है, पर उसके कारण नहीं था। वो मोबाइल में 10% चार्जिंग बच के थी, उसके कारण वो सब हो रहा था। तो यहाँ पे ग्रेनेड फूटा, जिसके कारण मेरी बहुत गंदी सी हेल्थ चली गई। तो इसके बाद एक जन नॉकआउट था और दूसरे नंबर एक नंबर जो था स्काई, तो हमारा नॉकआउट था ही और उसको रिवाइव मिल चुका था और यहाँ पे दोनों नॉकआउट हो चुके थे। तो फिर ये FPS ड्रॉप के चलते मेरे को 6-6 से बहुत परेशानी हो रही थी। तो भी इसको मैंने जैसे तैसे मार दिया, इनको रिवाइव दे दिया। और एक कमाल की बात, रिवाइव सिर्फ 4 सेकंड में हो रहा था। फिर यहाँ पे मुझे लूट तो चाहिए नहीं, मेरे पास सब कुछ था ना, तो मैं डैमेज था ना कुछ, मेरे पास हेल्थ भी थी और बहुत कुछ, फर्स्ट एड की तो कुछ कमी नहीं थी। और यहाँ से गाड़ी निकल रहा था, मैं पहले थोड़ा 6-6 चेंज कर लेता। और फिर यहाँ पे आने के बाद विनर विनर चिकन डिनर, इसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ टेंशन ही नहीं। वहाँ पे पूरा खेल एक नंबर ने संभाल लिया, इसलिए हम इसके बाद ड्यू खेले, जो कि ये था पोषण की। और स्काई ने कहा उतरते ही मारना शुरू कर दे, पर भाई जब तक गन नहीं मिलेगी तब तक कैसे मारे। तो यहाँ पे गन मिलना मुश्किल हो चुका था, एक शॉर्ट गन से कौन था हलवा उखाड़ लेता मैं। तो यहाँ पे मिल गई थी मुझे डीगल, जो कि मैं उठाने वाला था नहीं। यहाँ पे तो मैं पूरा level 2 का वेस्ट, सब कुछ हेल्थ वेल्थ मिलते जा रहा था, पर एक ढंग की गन नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे मुझे आखिर में M4 नहीं है, ये है इसका नाम भी मैं भूल गया, इसका नाम है UMP-45। इसका नाम क्यों बदल दिए थे क्या पता नहीं। और इस बॉट को मारने के बाद यहाँ पे दूसरे बॉट की फुटप्रिंट आ रही थी, तो इसको भी मारने के बाद ये बहुत गंदा लग रहा था। और मेरा FPS इतना ज़्यादा ड्रॉप हो रहा था कि एम लेना तो हद से ज़्यादा मुश्किल था। और कैसे कैसे मैं मार रहा था बिना मूवमेंट दिए। और फिर यहाँ पे मुझे एक बंदा नॉक मिल चुका था और मैं इसको शॉर्ट गन से मारा। यहाँ पे 4 kill हो गए थे, वो भी फ्रीक है बॉट किलर बिल्कुल। और यहाँ पर भी एक था और यहाँ पे बॉट को ही मारते हुए 5 kill हो गए थे। और फिर उसके बाद हम बंदे ढूंढने लगे, जो कि हमें यहाँ इस छोटे से घर में मिल गए। उस काय ने क्रॉसबो से एक को नॉक कर दिया था, तो रश करने का सबसे अच्छा मौका था। तो मैंने पहले यहाँ पे ग्रेनेड डाल दिया और पीछे से भी एक जन की फुटप्रिंट आ रही थी। और मैं यहाँ पे इसके आंख पे चढ़ने वाला था, पर यहाँ पे एक मुझे मिल गया बॉट। और फिर इस घर में बंदा था, मुझे पता था, पर मैं थोड़ा रुक गया। इस बॉट को भी मार दिया, जैसे कि अब तो 7 kill 6 kill बिल्कुल बॉट ही मारा है मैंने। अब बचा है 2 बंदे जो कि मुझे मारना है। और इस बंदे को स्पॉट करते हुए इस बंदे को शायद घर में ही घुस के मारना पड़ेगा। और ये बंदा मुझे मिल गया है यहाँ पर ही, पर ये बंदा एंड टाइम पे सरक गया, तो मैं कुछ कर नहीं पाया। तो इसके बाद ये तो मुझे आराम से मर गया फ्री का किल जैसे तैसे। फिर अब बचा है स्काई को रिवाइव देना, तो वो भी हम कर देंगे। और तभी शायद स्काई ने एक बॉट को मारा था, वो भी क्रॉसबो से, क्योंकि बॉट बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, कुछ हद ही नहीं, जैसे कि पूरा गेम ही बॉट से भर के हो। तो बॉट किलर समझ लो, जैसे कि बॉट ही मिल रहा है। तो उसका यहाँ पे नॉक था, तो उसका रिवाइव देना तो बनता है। पता नहीं है स्काई कितने बार नॉक होगा। और स्काई ने बताया कि वो थर्ड स्टोरी में बंदा है,
तो मैंने सोचा कि बंदों को छोड़ देता हूँ और पहले स्काई को रिवाइव कर देता हूँ। अगर मैं स्काई को रिवाइव ना करता तो मैं शायद बंदे की दो गोली से मर जाता, क्योंकि अभी बंदे ने इतना डैमेज किया था तो आगे चल के वो कितना मारता। तो स्काई उस ट्रक के पीछे था, उसको शायद घर के पीछे रहना चाहता, पर जाने दो। तो यहाँ से बंदा आ रहा था, मैंने लोकेशन बताई गलती की और यहाँ पर ही मेरा खेल ख़त्म। तो बताना कैसा लगा गेम प्ले, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और 100 सब्सक्राइबर जल्दी कर दो।